हाय दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपका भाई फिर आप लोग के लिए एक नया वीजा नई कंट्री के साथ लेके आई है। वीजे के बारे में जानने के लिए आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें, बीच में वीडियो स्किप ना करें। अगर बीच में वीडियो स्किप करते तो आप लोग को फुल डिटेल पता नहीं चलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें भाई। चलिए आइए, बिना टाइम वेस्ट किए वीजे के बारे में बात कर लेते हैं। वीजा कहाँ के, क्या पोजिशन है, क्या सैलरी है इसकी? अर्जेंटली नीड फॉर अ पेट्रोलियम कंपनी इन इराक। तो ये वैकेंसी जो इराक की है भाई, बहुत से बंदे जो हमसे बोलते हैं कि भाई इराक की वैकेंसी दो, हम जाने के लिए इंटरेस्टेड तो, मगर जो है मैं तो ज़्यादा इराक की वैकेंसी पे वीडियो वीडियो नहीं बनाता हूँ। एक आधु आया था, मैं बनाया था, अभी फिर आया ही है, ठीक है? तो मैं बना दे रहा हूँ उन्हीं लोग के लिए जो जाना चाहते हैं इराक, क्योंकि मेरे को तो भाई इराक सही नहीं दिखता है, क्योंकि बहुत डेंजर कंट्री है इराक। अभी तो फिर भी सही हो गया है, लड़ाई झगड़ा वहाँ बंद हो गया, मगर लड़ाई झगड़ा वहाँ अक्सर होता रहता है। इसके लिए अपना रिस्क लेके जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी कंट्री है, ये है एकदम पीसफुल कंट्री है, कुछ नहीं होता, ऐसा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। जो जाएगा वो खुद अपना रिस्क लेगा। सबको पता है इराक कैसी कंट्री है, मगर अभी बंदे वहाँ जा रहे हैं, फिर भी जिसको होता है भाई डर नहीं है, जिसको बोलता है नहीं भाई मैं जा सकता हूँ, मेरे कोई टेंशन नहीं है, मेरे कोई डर नहीं है, तो वही बंदा अप्लाई करे भाई। अदरवाइज दूसरे बंदे लोग मत करें अप्लाई, क्योंकि इराक जो है डेंजर डेंजर कंट्री है। अभी लड़ाई झगड़ा नहीं है, नहीं हो रहा, बंद है कुछ, अगर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, वो सब जगह कभी भी शुरू हो जाता है कुछ भी। तो फिर भी मैं बना दे रहा हूँ वीडियो कि मेरे पास बंदे हैं दो चार बंदे जो अक्सर बोलते हैं भाई इराक मेरे को भेज दो, इराक की वैकेंसी दो, उन्हीं लोग के लिए है। तो ये वैकेंसी जो है किचन हेल्पर की है, मुस्लिम ओनली मांगा है इसके अंदर, अदरवाइज जो अदर क्रिश्चियन हिंदू जो हैं वो लोग नहीं चलेंगे इसके अंदर, ठीक है? एज मैक्सिमम 30 ईयर्स है, सैलरी $400 है, फ्री फूड एंड एकोमोडेशन। तो सैलरी तो ठीक है भाई, 30,000 तक आप लोग कमा सकते, खाना भी फ्री दे रहा है आप लोग को, तो अच्छा है। किचन हेल्पर का कोई इसमें इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन आप लोग का हो जाएगा इसके अंदर, मगर ओनली मुस्लिम मांगा है, ये प्रॉब्लम है। हिंदू हिंदू क्रिश्चियन उश्चन रहता तो सबका हो जाता है इसके अंदर, यही मेरे को बहुत अजीब लगता है बस, कि कहीं कोई कोई कंपनी में खाली हिंदू मांग रहा है, कहीं कहीं क्रिश्चियन मांग रहा है, कहीं कहीं ओनली मुस्लिम मांग रहा है, ये सब चल रहा है अभी। फिर भी जो भी मुस्लिम बंदा है अगर इराक जाना चाहता है वो किचन हेल्पर में पूरा रिस्क उठा के अपने ऊपर, तो जा सकता है। $400 सैलरी है, प्लस खाना फ्री है, चार्ज इसका पता नहीं है, चार्ज जो बंदे मैसेज करेंगे तो फिर मैं उनको चार्ज बताऊंगा इसका, ठीक है? अगर आप लोग भाई जाएं तो सोच समझ के जाएं, क्योंकि मैं पूरा फुल के बता दिया हूँ, सबको पता है इराक के बारे में, मगर अभी काम होगा, हो रहा है, जा रहे हैं लोग बंदे, फिर भी मेरे से बंदे बोलते भाई वो तो बहुत डेंजर कंट्री है, नहीं रहेगा सर। तो मैं बोलता हूँ यही भाई, देखो जो जा रहा है वो रिस्क उठा के जा रहा है, जिसको डर नहीं है कोई भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो होगा होगा देखा जाएगा, तो वही जा रहा है बंदा। जिसको डर है भाई वो सोचता है सुकून की जगह जाऊँ, इसी कोई टेंशन नहीं हो, तो दुबई जाए भाई, कतर जाए, बहरीन जाए, कुवैत जाए, ओमान जाए, सऊदी जाए, सब जगह जाए, इराक उराक क्या जरूरत है जाने की? मगर जो बंदे हैं मेरे को स्पेशली, कुछ बंदे हैं मैसेज किए थे भाई मेरे को इराक की वैकेंसी चाहिए, इराक का अगर काम है तो बताओ। मैं बोला यार इराक तो कोई बोलता नहीं जाने के लिए, तुम बोल रहे हो। बोला नहीं नहीं वहाँ अभी काम हो रहा है, सब जा रहे बंदे, मेरे को बताओ वैकेंसी, क्योंकि वहाँ डॉलर में सैलरी मिलती है ना, इसके लिए लोग सोचते हैं जाने के लिए, ठीक है? उन्हीं लोग के लिए वैकेंसी है, बंदे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, ठीक है? कुछ बंदे हैं जो कुछ उल्टा सीधा कमेंट कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, आप लोग कमेंट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेक बोलना है फेक बोलिए, जो कुछ बोलना है बोलते रहिए, मेरा काम है वीडियो बनाना, बंदों को सही जगह पहुँचाना। चार्ज जो है ऑफिस से जो चार्ज आता है वही चार्ज मैं बताता हूँ भाई, मैं बंदे से खुल के बोल देता हूँ भाई ये 65,000 चार्ज है, 5,000 आप इसका चार्ज है, ठीक है? बंदा बोलता है खुशी खुशी ठीक है मैं चला जाऊँ, दे दूंगा आपका 80,000 चार्ज है, 5,000 मेरा है, तो क्या बुरा है भाई? मेहनत कर रहा है आदमी, वैकेंसी निकाल रहा है, तो 5,000-10,000 नहीं लेगा तो क्या फायदा? फिर खोल के बताता हूँ मैं, 20,000-25,000 नहीं खा रहा हूँ आप लोग के पीछे मैं। बंदे बोलते हैं फेक हो ये है वो है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ओरिजिनल जो है ना उससे काम कराइए आप। अभी अभी फेक के चक्कर में, KNPC के चक्कर में तो पड़े हैं, तो हैं बहुत लोग फेसबुक पे देख देख के अप्लाई किए, कितने लोग का पैसा खा गया मेडिकल करा करा के। तो ऐसे जगह आप लोग पैसा देते हैं ना, जहाँ चीटिंग होता है, फ्रॉड होता है, सैलरी बना के भेज देगा आप लोग के ऊपर, 200 KD और 3,000 सैलरी ये वो बना के भेजेगा आप लोग, वहाँ पैसा दे देते हैं, फंस जाते हैं वहाँ। जहाँ ओरिजिनल काम होता है वहाँ आप लोग पैसा नहीं देते, नखरा करेंगे वहाँ पर कि ऐसा वैसा, 100 नखरे आप लोग को चालू हो जाते हैं वहाँ पर, यही सब चीज़ है भाई। सही जगह पैसा लगाएंगे नहीं आप लोग, और जो फर्जी काम है वहाँ पैसा तुरंत दे देते हैं। अभी वैकेंसी बढ़ा चढ़ा के बताऊँ मैं कि ये 2,000 सैलरी है, ये कंपनी का नाम है, एडिटिंग करने में क्या टाइम लग रहा है आप लोग को? किसी को कोई टाइम नहीं लगेगा भाई। अभी एडिटिंग करके कंप्यूटर से ऑफर लेटर बना दिया, हाई हाई सैलरी डाल के भेज दिया आपके ऊपर, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं सही है ये, डुप्लीकेट वीज़ा मांगा के भेज दिया कुवैत का, यहाँ वहाँ का, बंदे पकड़ लेंगे तुरंत कि हाँ ये तो सही है,
तो फंस रहे हैं बंदे अभी भी बहुत से चालाकी के चक्कर में। तो हम लोग का वो फर्जी काम नहीं है भाई, तो का जो है ओरिजिनल काम है वो। मैं यूट्यूब पे ओनली वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं भेजता भी हूँ बंदों को। ये नहीं कि मैं ओनली फर्जी वीडियो बना रहा हूँ और कोई जाने वाला नहीं। मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, इराक का कोई भी बंदा अगर जाने के लिए इंटरेस्ट है, मैं उसका काम 100% करवाऊंगा, ठीक है। अगर रेट एग्री करा, रेट पता नहीं, रेट मैसेज करेगा बताऊंगा। रेट एग्री करेगा, सैलरी एग्री करेगा, उसका मैं काम पक्का करवाऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, ओके, फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके बाय।